सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंगलोर मेट्रो रेल की ओर से वैकेंसी आई हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस घंटे को दबाए ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले आए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं BMRCL रिक्रूटमेंट 2017 फॉर 80 ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल पोस्ट। ये फॉर्म टाइप ऑनलाइन है। लास्ट डेट आप इसे कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो है 15 दिसंबर 2017 तक। टोटल वैकेंसी 80 आई हुई है। कंपनी है BMRCL बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। लोकेशन ऑल इंडिया। जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स इन कर्नाटक। जॉब कैटेगरी डिपार्टमेंट रेलवे जॉब सरकारी नौकरी। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BE BTEC इंजीनियर्स ग्रेजुएशन। अगर मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की बात बता दूँ तो एडवर्टीजमेंट आई हुई थी 13 नवंबर 2017 को। लास्ट डेट आप इसे जो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं वो है 15 दिसंबर 2017 शाम के 6 बजे तक। एग्जामिनेशन डेट जो होंगी वो है 28 जनवरी 2018। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 302 GM CAT 1 CAT 2A CAT 2B CAT 3 A CAT 3B कैंडिडेट्स ₹900 SC ST 400। यहाँ वैकेंसी डिटेल की बात करो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एज पर 15/12/2017। अगर मैं यहाँ वैकेंसी डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एज पर 15 दिसंबर 2017 की बात करूँ तो ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल ओनली विथ मिनिमम 50 मार्क्स। द डिग्री शुड बी फॉर्म एंड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशनल रिकग्नाइज बाई AICTE। तो जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होगी उसकी मिनिमम 50 मार्क्स आपको होने चाहिए। तो इसी तरह आपको मैं आपको उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज लिमिट 35 साल, मैक्सिमम पे स्केल 25,000 है। वैकेंसी डिटेल अभी तक नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करें तो 80 है। अगर मैं इसे यहाँ पे आपको बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सीधे अप्लाई करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस पेज पे, लेकिन मैं आपको सीधे अप्लाई करने के लिंक डाल दूंगा लिंक पे, तो आप वहाँ से सीधे अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट फॉर, आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। तो ये ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल करके आप यहाँ पे करेंगे, वो पेज रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बॉडी, फुल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, प्रायोरिटी वाइज प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको कौन से एग्जाम सेंटर जैसे है पढ़ते हैं। उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4 के, जैसे कि अगर काला बुरागी यहाँ पे जैसे मैं पहला देता हूँ या दूसरे में बेंगलोर दे देता हूँ, तो अपनी प्रायोरिटी आप बता दीजिए कि आप कहाँ पे देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर। ईमेल आपको यहाँ डालना होगा, रिकन्फर्म आपको ईमेल करना होगा। लैंडलाइन अगर नहीं है तो आप 2 नंबर ही दे सकते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ कन्नड़, आप यहाँ पे स्पीक रीड राइट अंडरस्टैंड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड, तो ये आपको यहाँ पे आपको जो भी इंजीनियरिंग है आपको यहाँ देख सकते हैं 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, आपको कौन से बोर्ड से हो, कौन से स्टेट से पास किया आपने। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डाल के आपको अपना स्टेट यहाँ पे, जैसे मैं गुजरात कर देता हूँ, गुजरात से आपको ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको कितने आए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड हियर बाय अंडरटेकन टू अबाइड बाय देम, आई फर्दर डिक्लेयर आई फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन सच एज, मतलब आपको यहाँ पे इसमें साफ साफ बोला गया कि आप जो भी डिटेल अपना डाल रहे हो आप कन्फर्म हो कि आपने सही डाला है और आप बिल्कुल अच्छे से डाले हो। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है सेंड SMS एंड ईमेल अगर कि आपको अपडेट मिलते रहे अगर आप चाहते हैं तो, अगर यहाँ है कि डोंट सेंड तो नहीं। उसके बाद आपको ये नंबर आपको यहाँ डालना होगा 8153,
उसके बाद आपको आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको फिर वहाँ पे लॉगिन आईडी मिल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको डिटेल डालना पड़ेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपकी फॉर्म अप्लाइड हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है तो जी हाँ दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जॉब रिगार्डिंग वीडियो अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों।